नमस्कार प्यारे बच्चों, म्यूज़िक के ऑनलाइन म्यूज़िक के लाइव सेशन में आपका पुनः स्वागत है। यह हमारा तीसरा लेसन है, लेसन सरगम का तीसरा पार्ट। इसमें आज हम आगे की दो सरगमें सीखेंगे और हारमोनियम पर अलंकार या सरगम कैसे बजाना है वो सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह संरचना है कीबोर्ड, हारमोनियम, पियानो या अकॉर्डियन की, सभी में लगभग एक समान होती है। इसमें आपको हारमोनियम या कीबोर्ड की कीज़ दिखाई दे रही हैं। दो तरह की कीज़ होती हैं, ब्लैक कीज़ और वाइट कीज़। ब्लैक कीज़ भी आपको कुछ पैटर्न में दिखाई दे रही हैं। पहले दो ब्लैक कीज साथ में हैं, फिर तीन हैं, फिर दो हैं, फिर तीन हैं, फिर दो हैं, फिर तीन हैं। इसी तरह की संरचना कीबोर्ड में भी रहती है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में इन ब्लैक कीज़ को काली एक, दो, काली तीन, काली चार, काली पाँच के नाम से जाना जाता है। तो आप हारमोनियम पर सरगम या अलंकार को किस तरह बजाएंगे, किन स्वरों से बजाएंगे, यह मैं आपको बताती हूँ। इस चित्र में चौथे नंबर की ब्लैक की जो है उस पर सा लिखा हुआ है, मतलब काली एक, दो, तीन, चार। काली चार जो है वह आपका सा है। उसके बाद वाली ब्लैक की रे है, फिर उसके नीचे की वाइट की छोड़कर अगली जो वाइट की है वह गा है। उसके ऊपर की ब्लैक की मा, फिर पा, फिर ध, नी और सा। जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वह की आपको दबानी है, बजानी है। पर किन की इस पर कौन सी अंगुली रखी जाएगी, किस तरह बजाया जाएगा, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, चित्र में एक हाथ बना हुआ है, यह आपका राइट हैंड है। राइट हैंड की सभी अंगुलियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं और उन पर नंबर भी लिखे हुए हैं। जैसे तर्जनी, तर्जनी के सामने एक लिखा हुआ है, मध्यमा के सामने दो, अनामिका के सामने तीन, कनिष्ठा के सामने चार और अंगूठा पाँच। आप इसको फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, फिफ्थ फिंगर ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ सारे गामा पधा निसा, सानी धपा मगा रिसा, इन स्वरों के नीचे कुछ नंबर्स डले हुए हैं। ये नंबर जो हैं वह आपकी फिंगर्स के नंबर हैं। यानी सा जो है वह पहली फिंगर से बजेगा, एक से बजेगा, तर्जनी से बजेगा, रे मध्यमा से बजेगा, ग अंगूठे से बजेगा, मा पुनः तर्जनी से बजेगा, प मध्यमा से बजेगा, ध अंगूठे से बजेगा, नी तर्जनी से बजेगा और सा मध्यमा से बजेगा। जब वापस आएंगे हम अवरोह में सा नी धा पा मा गा रे सा के लिए, तो वापसी का क्रम वैसा ही रहेगा। मध्यमा से सा, तर्जनी से नी, अंगूठे से ध, मध्यमा से फिर प, तर्जनी से मा, अंगूठे से ग, मध्यमा से रे और तर्जनी से सा। आप इसको एक दो पाँच, एक दो पाँच, एक दो ऐसे भी याद रख सकते हैं और वापसी के लिए दो एक पाँच, दो एक पाँच, दो एक इस तरह से याद रख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आप इसे कैसे बजाएंगे वह आप देखेंगे। ये देखिए, ये है एक, दो, तीन, ये चार। ये चार जो है, ये काली चार है, ये आपका सा है। ये रे, सा रे, इसको एक को छोड़कर ये है ग, ग, मा, पा, धा, नी, सा।
हाथ आपको सीधा रखना है जैसे मैंने रखा है, आप एक बार फिर से देखिए। सा रे गा मा पा धानी सा सानी धा पा मा गा रे सा। ये फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर अंगूठा, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर अंगूठा, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, वापस वैसे ही, सेकंड फिंगर फर्स्ट फिंगर अंगूठा, सेकंड फिंगर फर्स्ट फिंगर अंगूठा, सेकंड फिंगर फर्स्ट फिंगर। तो देखा आपने किस तरह हम सरगम बजा सकते हैं। काली चार का आपका स्केल रहेगा, क्योंकि बच्चों के लिए वही स्केल सूटेबल होता है उनकी वॉइस रेंज के हिसाब से, इसलिए आप काली चार से ही अभ्यास करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हम दो स्वरों और तीन स्वरों वाले सरगम सीख चुके हैं, आगे हम चार स्वरों और पांच स्वरों वाले सरगम सीखेंगे। तो चार स्वर वाली सरगम कौन सी है? सारे गामा रे गामा पाधा मा पाधानी पाधा नीचा, यानी एक एक चार स्वर हमको एक साथ आगे बढ़ाना है, पहले सा से फिर रे से फिर ग से फिर मा से फिर पा से। तो कैसे गाना है इसको? सा रे गामा रे गामा पा गामा पाधा मा पाधानी पाधानी सा, चार चार का ग्रुप है, लेकिन इसको गाएंगे कैसे? एक साथ गाएंगे सा रे गामा पा गामा पा धा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। इस तरह से आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे एक बार। सारे गामा रे गामा पा गामा पाधा मा पाधानी पाधानी सा सा नी धा पा मा गा रे मा गा रे सा। ठीक है, एक बार पूरा करेंगे। सारे गामा रे गामा दोनों, फिर आप अभ्यास करेंगे। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा। अब आप गाएंगे बात पांच स्वर वाली सरगम कैसी है? सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा मा पा मा पा धा पा धा पा धा सा नी धा
सारे सारे गा रे गा आपको याद करना है, हारमोनियम पर उनको बजाकर अभ्यास करना है और आगे का हम कुछ नया लेसन देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।